इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर। सलोन जो आपको देता है स्टाइल। बुधवार का दिन अवैध निर्माण करने वालों के लिए रातों की नींद उड़ा देने वाला रहा। अजमेर नगर निगम की टीम ने सख्ती बरतकर शहर में चल रहे अवैध निर्माण करने वाले भवन मालिकों को नोटिस थमाना शुरू कर दिया है। इनमें से कई भवन मालिक ऐसे भी हैं जिन्होंने नगर निगम से मंजूर नक्शों को अनदेखा कर अपनी मनमर्जी से ही निर्माण कर दिया है। एमपीटीवी इंडिया ने बुधवार को निगम की टीम के साथ सभी इमारतों को देखा और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में निगम निर्माणों को तोड़ भी सकता है। खास बात यह है कि अजमेर नगर निगम को ज्यादातर शिकायतें अवैध भवन निर्माण की ही आ रही हैं, जिस पर सख्ती बरत निगम कमिश्नर चिन्मय गोपाल के निर्देश पर टीम ने कार्रवाई करना शुरू कर दी है। एमपीटीवी इंडिया की टीम ने बुधवार को निगम की टीम के साथ जो हालात देखे उसके मुताबिक शहर के व्यापारी को निगम के नियमों की कोई चिंता ही नहीं है। हालात इतने बदतर हैं कि जैसे ही निगम की टीम कार्रवाई करने पहुंचती है तो सभी अपना अपना रसूख दिखाने लग जाते हैं। किसी भवन में कहीं सेटबैक नहीं है तो कहीं आवासीय नक्शे की जगह व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, तो कोई भवन मालिक राजनीतिक दल का रसूख रखता है। और ऐसे ही भवन मालिक राहुल जायसवाल ने निगम टीम से बहस करने की जब कोशिश की तो निगम की अधिकारी सीता वर्मा को गुस्सा आ गया और उन्होंने साफ साफ शब्दों में राहुल जायसवाल की अवैध इमारत को गुरुवार को ही सीज करने का नोट लिख दिया। आपको बता दें कि ये वही अवैध इमारत है जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता राहुल जायसवाल की एक नमकीन की दुकान का उद्घाटन करने अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी और अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव नानी पहुंचे थे। यहां भी खास बात यह रही कि जब हमारे संवाददाता ने इस इमारत के मालिक राहुल जायसवाल से भवन मालिक पर सवाल किया तो उन्होंने इस इमारत का मालिक स्वयं को बताया ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद देखिए कैसे निगम अधिकारी से जायसवाल नोटिस लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहां राहुल जायसवाल पर चिन्हित करके हम ये खबर आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं और इसके साथ साथ राहुल ने स्वयं को आगामी निगम चुनाव में कुछ वार्डों से प्रबल दावेदार अभी से भी मान लिया है। खैर चलिए अब आपको दिखाते हैं कि अजमेर नगर निगम की टीम ने कहां कहां नोटिस की कार्रवाई की है। मगरवाली रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं और उस दुकान के बाहर जिसको अजमेर के सांसद ने जिसके शुभारंभ किया था, जिसका लोकार्पण किया था, उस दुकान के बाहर रतलामी नमकीन भंडार नाम से ये इमारत यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर हो रहा है। और इस वक्त यहाँ पर निगम के जो अधिकारी और टीम ने निरीक्षण कर पाया है यहाँ पर ये पाया है कि इसका भी जो नक्शा है वो पूरी तरीके से पास नहीं है कमर्शियल यूज़ के अंदर। और यहाँ पर हल्की सी जो झड़प है बीजेपी के कार्यकर्ता हैं राहुल जायसवाल ने बीजेपी के कार्यकर्ता जो है उन्होंने अधिकारियों से बहस भी की और बहस के बाद में अधिकारियों ने साफ तौर पर यह आदेश भी अपनी टीम को दे दिया है कि कल तक इस जो इमारत है इसको सीज कर दिया जाएगा। नोटिस इनको यहाँ पर दिया गया है, कुछ जो सामान है उसका जब्तीकरण किया गया है और उस दौरान हल्की हलचल हुई है। ये इमारत मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ और ये राहुल जायसवाल वही हैं जो आगामी नगर निगम के चुनाव में पार्षद पद के लिए दावेदारी करने वाले हैं और अजमेर के सांसद और अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी ने इसी दुकान का लोकार्पण किया था। चलिए अब आपको लेकर चलता हूँ उस दुकान पर, अगली इमारत पर जिसको नगर निगम की टीम सीज करने वाली है। दिवाली से पहले हमने आपको दिखाया था कि 27 भवन मालिकों को नोटिस दिया गया था अवैध निर्माण के चलते और आज फिर दिवाली के बाद नगर निगम के जो अधिकारी हैं, नगर निगम की जो टीम है वो अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रही है। देखिए आप सामान यहाँ से जब्त किया जा रहा है, जो निर्माण की सामग्री थी उन्हें जब्त किया जा रहा है। निगम के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार निरीक्षण किया जा रहा है कि आखिर कौन कौन सी ऐसी इमारतें हैं जो कि अवैध तरीके से संचालित हो रही हैं, पार्किंग का व्यवसायीकरण किया जा रहा है। अधिकारी इस वक्त मौके पर यहाँ पर मौजूद है, जो भी सामान निर्माण सामग्री यहाँ पर नज़र आ रही है उसे जब्त किया जा रहा है और आपको वो नोटिस भी हम दिखाएंगे कि उस नोटिस के ऊपर निगम के अधिकारियों ने आखिर क्या कारण देकर इसको सीजिंग के लिए या फिर अगले कार्य के लिए नोटिस चस्पा किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोविंदम के बिल्कुल सामने, जो व्यावसायिक निर्माण यहाँ पर चल रहा था, निगम ने जो कार्रवाई यहाँ पर की है, जो सामान यहाँ से जब्त किया है, उस इमारत के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और इस इमारत को जो इमारत के मालिक हैं उनको निगम ने नोटिस दे दिया है और नोटिस में साफ शब्दों में ये कह दिया है कि जो सेटबैक यहाँ पर छोड़ना था वो सेटबैक नहीं छोड़ा है। इस इमारत की जो नक्शा पास है वो आवासीय नक्शा बताया जा रहा है निगम की ओर से और यहाँ पर जब निरीक्षण किया गया तो नोटिस के अंदर लिखा गया है कि इस जगह के ऊपर आवासीय की जगह व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित हो रही थी और इसीलिए
जो इमारत के मालिक हैं उसको निगम ने नोटिस दे दिया है। अब आपको लेकर चलते हैं कि निगम की टीम आखिर कौन सी दूसरी इमारत के ऊपर नोटिस चस्पा करने जा रही है। कराने के लिए बोला है मैडम ने, तो एक बार वहाँ ऑफिस में जाकर डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोवाइड करा। निगम की टीम कह रही है कि ये जो इमारत आपकी है इसका आवासीय नक्शा पास है, लेकिन यहाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित होंगी, बेसमेंट में पार्किंग भी है, ऊपर से हॉस्पिटल कनेक्शन भी दिखा रखा है। नहीं, आवासीय के हिसाब से बना रहे हैं सर। यहाँ पर आवासीय गतिविधियाँ होंगी, या आप MPTV इंडिया के कैमरे पर कह रहे हैं आज? नहीं सर, आवासीय गतिविधियाँ होंगी, बाकी डॉक्टर साहब उनके हिसाब से बात कर लेंगे। इस वक्त मौजूद हैं राणा हॉस्पिटल के जो पीछे इमारत बन रही है, जो राणा हॉस्पिटल से कनेक्टेड है ये इमारत, मैं कहूँगा मेरे सहयोगी राजवीर आपको ये इमारत दिखाएंगे पूरी। इस इमारत को जब निगम के अधिकारियों ने यहाँ पर आकर निरीक्षण किया है तो उन्होंने ये मौके पर ये पाया है कि राणा हॉस्पिटल से सटती हुई जो इमारत ये तैयार हो रही है, ये इमारत पूरी तरीके से हॉस्पिटल एक्सटेंड करने के हिसाब से तैयार हुई है। यहाँ पर पार्किंग भी, नीचे जो बेसमेंट है वो बेसमेंट भी दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ जब निगम ने नक्शे को गहनता से जांचा तो उन्होंने ये पाया कि इस इमारत का आवासीय नक्शा पास है, लेकिन यहाँ पर जो गतिविधियाँ इस वक्त दिखाई दे रही हैं वो व्यावसायिक तौर पर नज़र आती हैं, और इसीलिए निगम अजमेर की टीम ने जो इमारत के संचालक हैं उनको नोटिस थमा दिया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं माकड़वाली रोड पर, जहाँ निगम की टीम ने एक और जो इमारत है वहाँ पर, ये देखिए आप, इस वक्त निगम की जो टीम है वो यहाँ पर नोटिस चस्पा कर रही है। नोटिस के ऊपर क्या लगा है वो आपको दिखाएंगे। ये इमारत जो है, ये इमारत का भी आवासीय नक्शा पास है, और यहाँ पर जिस तरीके से शटर दिखाई दे रहे हैं उससे निगम की टीम ने ये आकलन किया है कि यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित होगी। और जो पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि भवन का जो मालिक है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसीलिए ये नोटिस को चस्पा कर दिया गया है। और जो बिंदु इसके ऊपर लिखे गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें लिखा है मौके पर B+2 भवन निर्मित है, मौके पर निर्माण व्यवसायिक किया हुआ है, और सचिव महोदय एवं अन्य के साथ कार्रवाई की गई है, इसमें ये लिख दिया है, और इस नक्शे की भी अब जाँच की जाएगी। चलिए अब आपको लेकर चलता हूँ नगर निगम की टीम कौन सी अगली इमारत के ऊपर कार्रवाई करने जा रही है। नगर निगम अजमेर की जो कार्रवाई लगातार चल रही है उसमें एक बात निकल कर अब सामने आ रही है कि जो मजदूर वर्ग है जो काम करता है इन इमारतों को बनाने के लिए, उसको एक समस्या हो रही है कि उनको नहीं पता कि जिस इमारत का निर्माण वो कर रहे हैं वहाँ पर स्वीकृति किसकी है, क्या नहीं है, किससे ले रखी है या नहीं ले रखी है, लेकिन जो सामान का जब्तीकरण हो रहा है वो मजदूरों का हो रहा है। आप बताइए कि निगम की टीम यहाँ पर आई थी, आपका क्या क्या सामान यहाँ से ले गए? सर, मेरे ड्रिल मशीन ले गए हैं, एक हथौड़े, एक पेक्चस, जो मेरे औजार थे काम करने की वो सब ले गए हैं। और सर, मुझे मालूम नहीं था ये बात की कि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या होने वाली है, जो भी है इस बारे में हमारे कुछ मालूम नहीं था। सर, मैंने काम करने के लिए आए हैं और मेरे जो भी नगर निगम वाले हैं मेरा सामान उठा लिए। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट भी किया, भैया मेरे को मालूम नहीं है इस बात में क्या है नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे बात नहीं माने और हमारे सामान इन्होंने। अच्छा, आपके ऐसे बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जिनका सामान निगम की जो टीम है वो जब्त कर लेती है, आप क्या कहना चाहते हैं कि अधिकारी जब ऐसे सीजिंग की, नोटिस की या जब्तीकरण की कार्रवाई करे तो वो मजदूरों का क्या ख्याल रखे, ये बताइए आप। सर, जब मजदूर को पता ही नहीं होगा कि हमारे इस बिल्डिंग के नक्शा में क्या है, इस बिल्डिंग में मीटर क्या है, मजदूर को तो मजदूरी करने से मतलब होती है, और वो लोग बोलते हैं सभी लोग भाई मजदूरी करना, हमारे तो मजदूरी करना पैसा ही है, तो हम तो मजदूरी ही करते हैं। और सर, हमें मालूम जब नहीं है कि इस बिल्डिंग में क्या है, सर पूरे मजदूर पूरा इंडिया में काम करते हैं, तो सर हमें तो चाहिए ना औजार, हमें क्या मालूम कि सर हमारे टीम में क्या हुआ है, यहाँ पर क्या नहीं हुआ है। सही, ये एक मजदूर का दर्द है जो निगम की टीम लगातार कार्रवाइयाँ कर रही हैं, उनका जो सामान है, जो मजदूर जो निर्माण करता है उसका जो सामान जब्त किया जाता है उसको लेकर, ये एक मजदूर का दर्द है जो निगम के अधिकारियों को समझना होगा कि आखिर बड़े बड़े जो लोग हैं, जो व्यवसायी हैं, उनके चलते आखिर इन मजदूरों का अहित क्यों किया जाए। और इस वक्त माकड़वाली की उस इमारत पर है जहाँ निगम की टीम कार्रवाई कर रही है, और ये एक निर्माणाधीन इमारत है जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था, यहाँ से भी जो मजदूर काम कर रहे थे उनका सामान जब्त कर लिया है और एक नोटिस चस्पा कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं था भवन का मालिक, इसलिए ये विजय गुप्ता के नाम से नोटिस चस्पा हुआ है, जिसपे साफ साफ शब्दों में निगम की टीम ने लिख दिया है कि मौके पर B+4 निर्माणाधीन चल रहा है, मौके पर कोई भी स्वीकृति का जो बोर्ड होता है वो नहीं लगा हुआ है, और उक्त निर्माण बिना नक्शा स्वीकृति के चलाया जा रहा है जो कि अवैध है। अजमेर के अंदर ऐसी बहुत सी निर्माणाधीन इमारतें हैं जो कि अवैध तरीके से निर्माण जिनका चल रहा है, और इन इमारतों के अंदर नक्शे पास नहीं होते हैं, आवासीय नक्शे की स्वीकृति लेकर वहां पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जाती है,
जिससे देखने में यह आता है कि कई मरतबा ट्रैफिक जाम की स्थिति भी देखने को मिलती है। आसपास का जो सामाजिक ताना बाना है उसमें कहीं ना कहीं एक समस्या उत्पन्न होने लग जाती है, और इसीलिए अजमेर नगर निगम की टीम लगातार अब आज अजमेर शहर के अंदर ये कार्रवाई को कर रही है। चलिए अब आपको लेकर चलता हूँ, निगम की जो टीम है वो आखिर अगली कौन सी ऐसी इमारत है जिसको नोटिस चस्पा यहाँ पर करने जा रही है। रिक्शा स्वीकृति है, उसके अनुसार ही फारा निर्माण किया गया है। उसके बाद भी जो फीडबैक में अवैध निर्माण किया गया है यहाँ ऊपर की मंजिल के लिए किया गया है, तो उसके लिए DLP से बाकायदा स्टे ऑर्डर जारी किया गया है, और उसमें नगर निगम के उपायुक्त और आयुक्त को पाबंद किया गया है कि उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसको आगामी सुनवाई तक स्थगित किया जाता है। अब इनका कहने का मतलब है कि हम उस आदेश को नहीं मानते, इसमें स्टे की कार्रवाई नहीं है, जबकि उसमें साफ सुथरी भाषा में लिखा हुआ है कि इसको अगली सुनवाई तक स्थगित किया जाता है। तो अगली स्थिति तक इसको स्थगित किया जाता है तो फिर स्टे की और क्या भाषा इनको चाहिए। ये कहते हैं कि हमारे को, हम इसको स्टे नहीं मानते और आप हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई करने को स्वतंत्र हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि अगर DLB की कार्रवाई के ऊपर भी अगर कोई है तो वो बताएं, तो हम उनके वहाँ जा कर के अपील कर सकते हैं, अन्यथा जब तक DLB द्वारा फैसला नहीं दिया जाता है तब तक इनको कार्रवाई करने का कोई अधिकार हमारे खिलाफ नहीं है। निगम की इस कार्रवाई के खिलाफ कहीं आप अपील करेंगे किसी प्रकार की? अब इन्होंने जो नोटिस दिया है उसके लिए हम इनको जवाब, उचित जवाब जो भी है वो लिखित में देंगे, और उनके द्वारा जिस प्रकार का एक्शन लिया जाता है उसके मध्य देखते हुए जो कार्रवाई जो भी उचित होगी वो समय अनुसार की जाएगी। आपका नाम? शंकर बालचंदानी। देखें और सीजिंग की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। लगभग कितने भवनों को नोटिस दिया है? अभी तक हमने 13 प्रकरण तो देख लिए हैं और अभी तक ऑनगोइंग है, हम देखें हम आज कितना देख पाते हैं, और लगभग तो देखने से पता पड़ेगा कितने होंगे। हम विजिट कर रहे हैं पूरे शहर में और हमको जितने भी मिलेंगे उन सबके ऊपर कार्रवाई करेंगे। नोटिस में क्या लगा रहे हो मैडम, क्या चिपका रहे हो? अभी हम स्पोर्ट नोटिस दे रहे हैं कि विदाउट परमिशन आप काम कर रहे हैं, और अगर आपके पास परमिशन है तो आप अपना जो भी दस्तावेज है वो निगम ऑफिस में आके प्रस्तुत करें।